नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्स न्यू दिल्ली की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपकी हुई है बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज की, उसकी फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रैंक रही है आपके हर एक एम्स में आपके बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या कट ऑफ आपकी रही है बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज की एम्स दिल्ली और बाकी जो रिस्पेक्टिव एम्स हैं उनमें पैरा मेडिकल कोर्सेज की। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा सबसे पहले इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ जानने के लिए। और अगर आप इस पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एमके से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसमें आप रैंक वाइज आपको ये लिस्ट दे रखी है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस रैंक पे किस किस कोर्स में और किस एम्स में आपका एडमिशन हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरऑल रैंक टू पे जो कैंडिडेट था उसने एडमिशन लिया आपका बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एम्स दिल्ली में, और उसको कैटेगरी ऑफ एलोकेशंस भी जनरल है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। तो ये सारी आपको लिस्ट दे रखी है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस रैंक पे कौन सा कोर्स और कौन सा इंस्टीट्यूट आपको मिला है। ये सारा चीज़ें आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है आपके एम्स में जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, इन सभी जो आपके कैटेगरीज हैं उनकी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। और जो जो स्टूडेंट्स ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। तो आप ये चेक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रैंक रही है जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए, वह भी 189 रैंक जिस स्टूडेंट की थी उसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें जिस स्टूडेंट की ओवरऑल रैंक 282 जिस कैंडिडेट की रैंक थी उसका एडमिशन बीएससी पैरा मेडिकल कोर्सेज में किसी ना किसी एम्स में किसी ना किसी पैरा मेडिकल कोर्स में एडमिशन हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जिसका ओवरऑल रैंक थी 282। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रैंक रही है वो 285 रैंक पे जिस कैंडिडेट की थी उसका बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन हो गया। एससी कैटेगरी की बात करें तो 842 ओवरऑल रैंक थी जिस स्टूडेंट्स की और जिसकी कैटेगरी एससी थी, शेड्यूल कास्ट थी, उसका एडमिशन आपका किसी ना किसी पैरामेडिकल कोर्सेज में एम्स किसी ना किसी एम्स में आपका एडमिशन हो गया। अब हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ रैंक है वो आपकी 1015 जिस कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी से ओवरऑल रैंक थी उसका एडमिशन किसी ना किसी पैरामेडिकल कोर्स में किसी ना किसी एम्स में आपका हो गया है। अब हम बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी पे, तो पीडब्ल्यूबीडी में जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही वो आपकी 2256 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉट ही नहीं हुई है, ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुई आपकी पीडब्ल्यूबीडी में, उसकी कट ऑफ रैंक आपकी 1631। तो इस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं ये आपकी कट ऑफ है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की एम्स दिल्ली की बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की। तो ये कट ऑफ रैंक रही है आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। तो अगर आप आने वाले सेशंस में इस पर एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।